आज हरियाणा के लिए वास्तव में एक गर्व का दिन है। हरियाणा के पिछले गौरवशाली 56 वर्षों में हरियाणा पुलिस का अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में हमें हरियाणा पुलिस को जो राष्ट्रपति निशान ये आज प्रदत्त किया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और अपने पुलिस के जवानों को, सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है जिसके अंदर मात्र 3 शब्द, ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। आज जो सम्मान ये दिया गया है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, इससे हम अपनी वर्दी पर इस निशान को लगा सकेंगे और निश्चित रूप से गर्व का अनुभव करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपका जो साहसिक अभी तक जो इतिहास रहा है, वास्तव में वो बहुत ही पुलिस को प्रेरणा देने वाला है। हमारे स्थानीय पुलिस जो भी है, वो हर प्रकार के और आधुनिक ऑनलाइन सेवाओं से जनता को सहयोग करती है। अंत्योदय सरल हर समय पोर्टल पर 32 नागरिक सेवाएं पुलिस के द्वारा ये दी जाती हैं। ऑनलाइन शस्त्र लाइसेंस सेवाएं ये प्रदान की जाती हैं और इसी प्रकार स्वास्थ्य, पुलिस और अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं 112 के माध्यम से और ये भी दी जाती हैं। हमने यहाँ साइबर थाने, जो कि इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम ये भी बहुत हो रहा है, तो इस साइबर क्राइम पर भी हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए 29 साइबर थाने और 309 साइबर डेस्क ये स्थापित किए हैं। जहां तक महिलाओं के थानों का विषय है, जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक ये हमने स्थापित किए हैं और साथ ही महिलाओं की संख्या 9% अभी हमारी पुलिस में है। हमारा टारगेट है कि हम इस महिलाओं की संख्या को 15% को किस प्रकार से लेकर के जाए। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स, ये भी महिलाओं की सुरक्षा में बहुत एक कारगर एक हथियार ये हमारा बना है। हमने अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग सचिवालय ये बनाए हैं। आसपास के 7 राज्य, इनका एक एंटी ड्रग सचिवालय पंचकुला में स्थापित हुआ है। आपस में समन्वय करके हम ड्रग से अपने युवकों को कैसे बचा सकें और किस प्रकार से भावी पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, कारगर तरीके से हमारा पुलिस बल एक अहम कर्तव्य ये कर रहा है। आज राष्ट्रपति निशान के मिलने से हमारा मनोबल भी बढ़ा है, हमको प्रसन्नता भी हुई है। पुलिस के सब हमारा जो कैडर है वो बधाई का पात्र है, लेकिन साथ ही मैं अपने पुलिस के जवान भाइयों को जरूर ये आगाह करना चाहूँगा कि इस सम्मान से हमारा दायित्व भी बढ़ा है, क्योंकि जिन विशेषताओं को लेकर के ये एक राष्ट्रपति सम्मान हमको मिला है, वो विशेषताएं तो हमको बनाकर रखनी ही है और आगे बढ़ने के लिए आज आधुनिक और आधुनिक काल में जिस प्रकार का एक सक्रिय पुलिस बल, स्फूर्तिदायक पुलिस बल और जिस प्रकार टेक्निकल चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमारी आवश्यकता है, उसको भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गृहमंत्री जी, उसको आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः केंद्रीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पर हमको आज राष्ट्रीय सम्मान से आपने शुभ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।